हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू और चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकुल तो बेटा आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ये बताया गया है कि इंटेस्टल ट्रैक का इन्फेक्शन जो है इन्फ्लेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाला डिसऑर्डर है इन्फेक्शन जो है इन्फ्लमेशन जो है इट इज इंटेस्टल ट्रैक की वो टेप वाम राउंड वाम थ्रेड वाम एट्सट्रा से भी हो सकती है ज्वाइंटेस के अंदर स्किन और आईज जो होती हैं वो थोड़ी येलो की तरफ चले जाती हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट्स जो हैं बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं वोमिटिंग में स्टमक जो है उसमें से कंटेंट बाहर आ जाता है व्या द ओरल कैविटी वोमिटिंग सेंटर मेडुला में होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायरिया अब नॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट यानी बार बार जो है बॉडी से फिकल मैटर का रिलीज होना लिक्विडिटी का होना उसे डायरिया कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में फीसीज जो हैं वो कोलोन के अंदर आ जाते हैं और एक्टम से बाहर पास नहीं हो रहे होते हैं इन डाइजेशन में फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि सिक्रीशन जो है वो कम हुई है फूड पॉइजनिंग वगैरह रीजनस उसके हो सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन्स प्रोटीन या एनर्जी अगर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी डाइट में तभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी जैसे कि बहुत सारी अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में होता है बांग्लादेश में होता है जब उनके आज़ादी की लिब्रेशन वॉर था इथोपिया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है जनरली दो डिसऑर्डर इससे होते हैं मरासमस और क्रॉस्य मेरास में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशेंसी होती है कार्बोहाइड्रेट दोनों की ये जनरली एक साल से कम उम्र में बच्चों को हो जाता है जिसमें कि मदर मिल्क को बहुत जल्दी कई लोग बाकी फूड से रिप्लेस कर देते हैं जो कि पुअर प्रोटीन और कैलोरीफिक वैल्यू वाला होता है जनरली ऐसा तब होता है जब बड़े वाला बेबी जो है ओल्डर इन्फेंट वो यंग है और सेकेंड बेबी की प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए या सेकेंड बेबी हो जाए बरासमस के दौरान प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो ग्रोथ अगर बरासमस में जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उससे क्या होता है तो उससे ग्रोथ एंडरप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स वो रुक जाता है एक्सट्रीम इमेसिएशन बहुत कमज़ोर हो जाता है बॉडी थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाता है वगैरह वगैरह ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन कर जाता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं क्वासी ऑर्कर जो है उसमें सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर मदर मिल्क को आप एक हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट से रिप्लेस करते हैं तब ऐसा होता है वन ईयर से ज़्यादा ग्रुप में होता है लाइक मरासकस को ऑर्कर में वेस्टिंग ऑफ मसल्स थिनिंग ऑफ लिम्स वगैरह देखा जाता है लेकिन स्किन के अंदर कुछ फैट हमेशा प्रेजेंट रहता है साथ में अडीमा और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स भी इसका मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस